इसने रोक दिया मेरे को, ऊपर मशीन लगी हुई है तो बोल रहा पत्थर आएंगे। ओके जी, इधर ना नीचे नदी पे जाने का रास्ता है। ये तो एक नंबर जगह है ब्रो, एक नंबर। ये बड़े बड़े पत्थर तो पता ही नहीं चल रहे हैं इसको, तो भाई इतना 20 kg ही होगा। तो अब चलते हैं, इस बाइक को करते हैं टेस्ट। बहुत इजी, बहुत ही इजी, पता भी नहीं चला। ओके, तो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 11:45। लगेज मैंने सारा रख लिया है, तो यहाँ से निकलते हैं सीधा कसौल। कसौल है यहाँ से आई थिंक 90 किलोमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे का, ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं आराम से उठा, रात को अपना सारा एडिटिंग करी, रात को लेट सोया था तो इसलिए मुझे ये था कि पहले नींद पूरी करनी है सुबह, तभी मजा आएगा व्लॉग बनाने का, नहीं तो फिर ना थका थका सा फील होता है। तो बस चलते हैं, मैं आपको एक बार बाहर का दिखा देता हूँ व्यू क्या है। तो ये है भाई अपने रूम से बाहर का व्यू, परफेक्ट। धूप निकली आज एक नंबर, पूरी तेज। यहाँ पे सब रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। बस हम दो ही जने थे, ये चला गया आज दिलोरी पास, ध्रुव और मैं जा रहा हूँ। तो बस चलते हैं आप सीधा बाइक पे। बहुत ही मस्त जगह थी भाई, इस जगह का नाम है जहाँ पे मैं रुका था फिरगुन चैप्टर जान, नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और सारे ही बड़े अच्छे थे, लग ही नहीं रहा था किसी होटल या रेस्टोरेंट में रह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था अपना ही घर है। ओके चलो, अरे चलो भाई, ओए 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 ओए, बहुत भार हो गया है। ये दो है रिजॉर्ट, एक ऊपर है, इससे भी ऊपर है एक, ये है उसका नाम भी फिरगुन चैप्टर कुछ करके है, इसका नाम है फिरगुन चैप्टर जान, क्योंकि जान ये नीचे एक गांव में उसका नाम है। ये मजे हैं इस बाइक के, आराम से खड़े होके। यू टर्न राम से, राम से, राम से, राम से, राम से, राम से। अरे यार स्क्रीन साफ करने भूल गया मैं, गंदी हुई पड़ी है, मिट्टी लगी है बहुत। और आज 29 फेब है, जो कि 4 साल में एक बार आती है। वाह, इसने रोक दिया मेरे को, ऊपर मशीन लगी हुई है तो बोल रहा पत्थर आएंगे। थोड़ी सी पहले खड़ा होना चाहिए इसको, बिल्कुल वहाँ पे खड़ा जहाँ पे पत्थर आएंगे। थैंक यू, ये सही खड़ा है पहले, वो बिल्कुल एंड मौके पे खड़ा है। अभी एकदम से बाइक भी नहीं रुकती ना, उसने इशारा तो मेरे को कर दिया था, लेकिन बीच यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं तो मैं एकदम से ब्रेक भी नहीं मार सकता, तो फिर मैंने रोक के वापस यू टर्न लेके फिर आगे गया था। बहुत ही पत्थर पत्थर हैं, बिल्कुल आराम आराम जाना पड़ेगा। और ये जो C8 के टायर हैं भाई, ये एक नंबर के टायर हैं, क्या ग्रिप है इनकी, मतलब मेरे को फील नहीं हो रहा कि भाई मेरे को कुछ ऑफ रोडिंग के लिए कुछ अलग से टायर लगवाने पड़ेंगे। बाकी देखेंगे, अगर कुछ मार्केट में अवेलेबल हुआ तभी लगवाएंगे, अभी ये तो घिसे। यार कितना सुंदर है, कितनी सुंदर जगह है ये,
और दूर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है दूर भी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का, क्योंकि कोई भी नहीं था, बिल्कुल कोई गिना चुना ही मेरे को दिख रहा था। जहाँ हम रुके थे वहाँ मेरे को कोई नहीं दिखा हम दो बंदों के अलावा। गाड़ी तो खड़ी थी एक, लेकिन वो पता नहीं कहीं गए होंगे। बिल्कुल खाली था, सब खाली है इस टाइम। ऑफ सीजन ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। एक तो सारे रूम्स वगैरह सब सस्ते सस्ते मिलते हैं और इजीली मिल जाते हैं। अगर सीज़न के टाइम ट्रैवल करो तो इतने नखरे होते हैं, रूम नहीं है सर, है इतना है तो इतने का, ये है वो है, इतने बढ़िया बढ़िया कैफे हैं, रेस्टोरेंट है, सब है इधर। नदी के पास जाना है, नदी के पास रिवर साइड भी है, टॉप में भी है, सब कुछ है। मैं तो पागल था, इतने साल से आया नहीं यहाँ पे। और अभी तो जलोरी पास भी है, वो क्या नाम था भूल गया उसका, जलोरी पास ही आई थिंक। वहाँ नेक्स्ट ईयर जाएंगे, वो ट्रैक करने की जगह है। अभी जाने का फायदा नहीं था क्योंकि अभी है वहाँ पे आइस और मैं कुछ पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वैसे बिना बात पे नहीं पंगे लेने चाहिए, क्या पता छोटी सी चोट कहाँ लग जाए। अगर कोई फंसे हो तो बात अलग है, रिस्क लेना ठीक है, लेकिन बिना बात नहीं। ये देखो नदी, देखो हाय हाय हाय, इस नदी के पास बैठने का। गाड़ी वाले भाई ने हॉर्न भी नहीं मारा, हॉर्न नहीं मारते यहाँ पे लोग। मैंने भी नहीं मारा था, लेकिन वैसे मैं मार देता हूँ यूजली। हाय हाय, ओ हो, ये जा रहा है वाटरफॉल को। और अपना पीछे था मिनी थाईलैंड, ये वाटरफॉल को जा रहा है जहाँ कलब गए थे। ये सब कोट वो हैं पहनने के लिए, होम स्टे। ओके जी, इधर ना नीचे नदी पे जाने का रास्ता है, लास्ट टाइम भी देखा था मैंने। अभी अपने पास बहुत टाइम है तो चलते हैं नदी पे बैठ के थोड़ी देर, अगर मिला तो। मेरे को रास्ता मुश्किल ही लग रहा है मेरे को तो भाई, बाइक का भी पता लग जाएगा ऊपर चढ़ाते वक्त क्या है क्या नहीं। बेसिकली ये सारी बाइक की टेस्टिंग है। हाँ है रास्ता, आई थिंक है इधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से है। ओहो, राम से 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 आए है। ओहो हो, ये तो एक नंबर जगह है ब्रो, एक नंबर। यहाँ बैठ के तो कुकिंग की जाए। ये बड़े बड़े पत्थर तो पता ही नहीं चल रहे इसको, कहाँ चल रही है कहाँ नहीं। यहाँ खड़ी कर देते हैं अपनी, मेरा मैप पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ ये है लोकेशन तो परफेक्ट। वो रोड है वो उधर से आए हैं, सबसे मुश्किल तो ये एरिया है, इससे ऊपर जाना है, जाएंगे अभी देखेंगे अब तो बाकी। ओए होए 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 होए, क्या जगह है ये। अपनी बाइक इसकी पूरी टेस्टिंग कर दूंगा मैं इस सर्किट में, ताकि मेरे को आगे ले जाना है और जांच कर जाना है, जहाँ भी जाना है तो मेरे को पता होगी मेरी बाइक किस जगह पे कैसे परफॉर्म करती है, क्या एवरेज देती है, सब कुछ पता होना चाहिए अपनी बाइक का, तभी मज़ा आता है, फिर टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फोटो फाटो लेता हूँ, फिर निकलेंगे, फिर देखता हूँ चढ़ाई पे कैसा कैसे चढ़ती है। ओके, इधर से आया हूँ मैं रोड पे से, ये वाली ट्रेल से नीचे,
इधर तक तो ठीक था, इधर तक तो ये वाली ट्रेल थोड़ी टफ है। और ये मेरी बाइक है, ये नई हिमालयन 450 काजा ब्राउन। और ये लगेज है, ये लगेज होगा ऑलमोस्ट 20 kg के हिसाब, ज़्यादा नहीं होगा इतना, 20 kg ही होगा। तो अब चलते हैं, इस बाइक को करते हैं टेस्ट। फर्स्ट गियर लगाया मैंने, परफॉर्मेंस मोड पे है, राइट वाली लेन से दूंगा। बहुत इजी, बहुत ही इजी, पता भी नहीं चला, जोर ही लगा बाइक का, कहने का मतलब ये है। वाह जी वाह, एक नंबर बाइक, मजा आ गया। और जबकि मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स बैठ के मैंने निकाली है बाइक, अगर खड़े होकर निकालता तो और भी इजीली निकल जाती। बढ़िया टेस्टिंग करेंगे इस बाइक की, हर एक चीज में अभी तक तो खरी उतरी है, अभी तक तो मेरे को कुछ कमी नहीं लगी इसमें परफॉर्मेंस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके और कंफर्ट को लेके। बाकी जो कुछ भी मेरे को फील होगा तो मैं बिल्कुल जो सब अपना जो सर्किट है सारा पूरा करके घर जाके एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या कैसे कैसे बिहेव करती है ये बाइक। बाकी ये तो आपने देख लिया कितने आसानी से ऊपर चढ़ गई। पता नहीं मैं इधर से आया था कि इधर से आया था, इधर से चलते हैं शायद, आई थिंक हाँ इधर से ही आया था मैं। ब्यास रिवर है ये, ब्यास रिवर। क्या भागती है ये बाइक, और इसकी इंजन ब्रेकिंग भी एक नंबर की है। अगर आप जितने भी स्पीड में और रेस छोड़ दोगे तो बड़ी जल्दी स्लो होती है ये। हवा चल रही है पूरी दबा के, ओहो हो, फोटो लेना मना है, नहीं लेते फोटो। क्या नदी चल रही है पूरे उफान पे, मंडी ओट अपने को जाना है इस तरफ, इस तरफ रिकवरी, स्कोडा खराब। अरे एकदम अंधेरा भाई, ये क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी टनल है ये, बिल्कुल काली, लाइटें ही नहीं है, अब प्रॉपर हाईवे है। बढ़िया, भाई सही बताऊं मेरे को तो आ रहा है मज़ा इस बाइक पे, ठीक है ना, तो थकान हो रही और ना ही मेरे को पावर की कमी लग रही है। अब किसी ने बड़ी बाइक चलाई है पहले और फिर ये चलाए उसका पता नहीं, मेरे पास भी बड़ी बाइक थी, उस बारे में हम पूरा जब ये कवर हो जाएगा सब कुछ, मैं बाइक मेरी चल जाएगी 2000 किलोमीटर के आसपास, तब मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा। लेकिन अभी तक अभी 1300 किलोमीटर चल गई है और 1300 किलोमीटर तक मेरे को कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए कम्फर्ट और इंजन के मामले में। बाकी ये चीज़
फीचर मेरे को इतने मैटर नहीं करता। बाकी सामने व्यू देखो आप। ओए होए वो रे बर्फ वाले पहाड़ फाइनली दिख गए। कसोल में मेरे को बोला गया है कि भाई ठंड है जीपी से ज़्यादा, लेकिन जीपी में भी यार इतनी ठंड नहीं थी मेरे को जितना लगा था, हालांकि वो जीपी से भी ऊपर था। क्या ब्यूटी है वो। यहाँ पे मौसम ख़राब सा ही लग रहा है मेरे को, धूप नहीं है इतनी जितनी जीबी में थी। और मेरे को पूरे रास्ते में एक बाइकर मिला है, बस एक, और कोई भी नहीं है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, सारे एकदम आते हैं। यही मौज है ऑफ सीजन ट्रैवल करने का, आप आराम से अच्छे से सब कुछ देख सकते हो बिना भीड़ भड़ाके के। आ गया भाई अपना कसोल वाला टर्न सीधा मनाली, राइट में कसोल। भारत मर भरमन लिफ्ट प्लीज। पार्वती रिवर है ये, लास्ट टाइम हम पहुंचे थे रात को पहुंचे थे, कुछ नहीं दिखा, और सुबह सुबह निकले थे। सुबह इतनी ठंड थी कि बस कुछ देखने का मन ही नहीं किया, और ऊपर से मेरे पास जीटी थी, तो आप हिसाब लगाओ क्या ही देखा होगा मैंने। अब आ रहा ना मज़ा। ये आ गया भाई कसोल, कसोल आ गया है। ये कसोल की मार्केट, ठंड तो नहीं है यार इतनी, इतना मुझे कहा गया था। ये सब मार्केट है, सब कैफे हैं, रेस्टोरेंट है, बेकरी बहुत अच्छी अच्छी है इधर। अभी हम चलते हैं सीधा मणिकरण। इधर है मणिकरण, क्या हो गया भाई साहब। चलो क्या गाड़ी है पजारो। ये आ गया भाई मणिकरण साहिब। ये है नीचे जाके इधर से, ये रहा इधर से है, ऊपर से भी दिखता है थोड़ा सा। आगे तो बस सिर्फ ट्रैकिंग के लिए है,
अगर आपको ट्रैकिंग पे जाना है तो आगे तोश वहीं से सब ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर ट्रैकिंग के लिए ही आते हैं लोग। अभी चलते हैं वापस कसौल, वहाँ रूम लेते हैं और करते हैं रेस्ट। खाना खाएं, खाना मैंने अभी तक नहीं खाया, अब आराम से बैठ के चेंज करके फिर खाऊंगा खाना। तो भाई ये रूम है और ये बाहर का व्यू, बेस्ट व्यू है यहाँ से। इस होम स्टे का मैं नाम और कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा। लास्ट टाइम मैं आया था, लास्ट टाइम भी इसी में रुका था मैं, जब हम आए थे लास्ट टाइम कसौल तब भी सेम ही इसी में रुके थे। और ये बेस्ट है, इसका प्राइस भी सही है। ये वाला मेरे को मिला है 700 में, 700 मेरे को रूम मिल गया। और आपने रूम देख लिया कितना बड़ा है। तो बस टाटा बाय बाय, टेक केयर, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।